ओके अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। अब हम इंडिविजुअली हर टूथ के और मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से नज़र आता है। उसके अगर हम टीथ को देखें तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले हम इंसाइजर से स्टार्ट लेते हैं। तो अगर हम देखें मिड लाइन से, तो इंसाइजर्स क्या है हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड जो हमारे पास टीथ है मिड लाइन से। लाइक अगर हम टीथ इस हमने ड्रॉ किया था, मैंने आपको क्वार्टर्स बनाने सिखाए थे लास्ट लेक्चर्स में, तो उसमें था। यहाँ से मैंने बताया भी हुआ है कि यहाँ पे पहले सेंट्रल इंसाइजर फिर लेटरल। इंसाइजर्स में हम काउंटिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट सेकेंड नहीं करते, हम क्या कहते हैं सेंट्रल एंड लेटरल। और फिर उसमें हमारे पास मैक्सिलरी में भी सेम इसी तरह के, अगर लेफ्ट है तो राइट में भी सेम इसी तरह होगा, मैक्सिलरी में और मैंडिबुलर में भी। मैक्सिलरी इंसाइजर्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है और मैंडिबुलर का थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये मैक्सिलरी इंसाइजर्स पड़े हैं और ये हमारे पास मैंडिबुलर इंसाइजर, ये देखिए। ठीक है, ये मैंडिबुलर है और ये मैक्सिलरी इंसाइजर है। इसका आपका साइज को देख के भी अंदाज़ा हो गया होगा। अब इसके रोल क्या होते हैं, एक तो मैस्टिकेशन में इसका रोल होता है, एस्थेटिक्स में, फोनेटिक्स में, इस तरह डिफरेंट उसके रोल्स हैं। कि अगर हम प्रोमिनेंट फीचर्स की बात करें कि उसमें कौन कौन से आते हैं, तो हम इसके इंसाइजल एज की बात करते हैं। मैंने पहले भी बताया था इंटीरियर में इंसाइजल एज होता है, ये इसका इंसाइजल एज है, ये वाला। ठीक है, पहला आ गया इंसाइजल एज। देन फिर आ जाते हैं मैमेलोन्स। मैमेलोन्स में मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि मैमेलोन्स क्या होते हैं। मैमेलोन्स यहाँ पर हमारे पास ये राउंडेड प्रोजेक्शन होती हैं इंसाइजल एज पर। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होंगी जब आप हाथ लगा के फील करें ना, तो हमारे पास जो न्यूली रिपीट टीथ होता है उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, बट जैसे जैसे विद द एज वो क्या होती है वेयर ऑफ हो जाती हैं और वो स्ट्रेट इंसाइजल एज में कन्वर्ट हो जाती है। देन फिर हमारे पास पोजीशन एंड एंगुलेशन ऑफ मार्जिनल रिचेस। अब मीजल मार्जिनल रिच, डिस्टल मार्जिनल रिच, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। लिंगुअल फोसा क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास इंसाइजल्स जो होता है हमारे पास टू थर्ड उसमें होता है, सिंगुलम हमारे पास सर्वाइकल में होता है, ये सर्वाइकल है और ये इंसाइजल है। ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फोसा मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फोसा क्या होता है हमारे पास, एक डीप स्ट्रक्चर होता है कॉन्कैविटी लाइक। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर से। आज पोजीशन मैंने आपको बता दी कि मिड लाइन से देखें तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड होता है, और जो हमारे पास मैक्सिलरी सेंट्रल है वो फर्स्ट होता है मिड लाइन से। अब उनका मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया क्या होता है, दोनों के साथ होता है। लाइक ये सेंट्रल इंसाइजर एक साइड का, ये दूसरा साइड का, तो इसका जो मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया होगा ना वो दोनों का इस तरह सेम है। ठीक है, अब ये दोनों मेरे सेंट्रल इंसाइजर ये साइड पे कर दें लिए हुए हैं, तो जब हम इसे मिलाते हैं ऐसे इस तरह से, ये इसकी मीजियल साइड है, ये इसकी, तो दोनों सेंट्रल इंसाइजर्स की मीडियल जो मीजियल साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं। और जो इसका डिस्टल होता है, जाहिर बात है वहाँ पर लेटरल आ रहा है, तो लेटरल का लेटरल की मीजियल साइड इसके साथ डिस्टल कॉन्टैक्ट बनाती है, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो यूनिवर्सल नंबर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। जनरल फॉर्म और फंक्शन की बात करें तो अगर हम क्राउन को देखें, लेबियली या लिंगुअली, क्राउन की शेप क्या होगी, ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, ये मीजियो डिस्टली वाइड होगा, मीजियो डिस्टली। जितने भी इंटीरियर टीथ में अगर उसने पूछे हैं, द मोस्ट वाइड टीथ हैविंग द मोस्ट वाइड मीजियो डिस्टल डायमेंशन इज द मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसका फंक्शन क्या है, मैस्टिकेशन में बाइटिंग होती है, कटिंग होती है, इंसाइजिंग एंड शेयरिंग। इसका इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, एस्थेटिक्स और फोनेटिक्स में भी होता है। अब हम बात करते हैं लेबियल एस्पेक्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल क्राउन शेप आपको यहाँ से क्या नज़र आ रही है, ट्रेपेजॉइडल। ये हमारे पास अगर इंसाइजर का थोड़ा सा इस तरह करके बना दे, ये इंसाइजर है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रेपेजॉइडल शेप है। ठीक है, अब इसके जो लॉन्ग एक्सिस है वो इंसाइजर लेज की तरफ होगी और शॉर्ट एक्सिस इसके ये सर्वाइकल की तरफ होगी। अब जो क्राउन होगा इंसाइजो सर्वाइकली, इंसाइजो सर्वाइकली कैसे, इंसाइजर से लेकर सर्वाइकल की तरफ वाइडर और मीजियो डिस्टली वाइडर होगा। इंसाइजो सर्वाइकली लॉन्गर, मीजियो डिस्टली वाइडर होगा। अब ये जो डायमेंशन होती है ना, नियरली हमें इक्वल नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, कि मीजियो डिस्टल और इंसाइजो सर्वाइकल डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है। जब हम इसे फील करें ना, तो ये इंसाइजो सर्वाइकली भी कन्वेक्स होगा। ठीक है,
इस तरह से, और मीजियो डिस्टली भी इसकी सरफेस कन्वेक्स होगी। और जो ज़्यादातर हमारे पास जो होती है ना इसकी क्या कह लें आप राउंडनेस या इसकी कन्वेक्सिटी, वो इसकी सर्वाइकल थर्ड में होगी। इंसाइजल थर्ड में थोड़ा फ्लैट नज़र आता है इस तरह से ना। और अब हम इसकी बात करते हैं मीजियल आउटलाइन की, ये इसकी मीजियल आउटलाइन है। अच्छा, जो बुक में डिस्कस किया गया है ना वो किया गया है ये वाला, तो मैं आपको इसके लिहाज से बताती हूँ। ये इसकी मीजियल है, ये इसकी डिस्टल है। अब मीजियल साइड ये है, अब जो इसकी मीजियल साइड है ये क्या, हमारे पास मीजियल आउटलाइन स्लाइटली कन्वेक्स होती है इसकी, ज़्यादा नहीं या ज़्यादा स्ट्रेट भी होती है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है पर्पल कलर से, आपको नज़र आ रही होगी। इसका क्रस्ट ऑफ कर्वेचर क्या, इंसाइजल थर्ड के कॉन्टैक्ट एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे होता है। मैम ने अगर हमसे डिवाइड करें थर्ड में इस तरह, तो इसके यहाँ पे आ रहा होगा इसका कॉन्टैक्ट एरिया। तो इसकी जो क्रस्ट ऑफ कर्वेचर क्या होती है, इसके इंसाइजल थर्ड में होगी। अब इसके मीजियल इंसाइजल एंगल जो होगा वो शार्प होगा, सी देयर ये शार्प बना हुआ है मीजियल इंसाइजल एंगल। सेम विद द डिस्टल, डिस्टल आउटलाइन जो होती है हमारे पास कन्वेक्स होती है और वो मीजियल की निस्बत ज़्यादा राउंडेड होती है। आप देख सकते हैं ये वाली थोड़ी स्ट्रेट में आ रही है और ये हमारे पास राउंडेड में आ रही है। और इसका जो डिस्टल इंसाइजल एंगल होता है वो भी राउंडेड होगा एज कम्पेयर टू मीजियल, ज़्यादा राउंडेड नहीं लेकिन मीजियल इंसाइजल एंगल से निस्बत ज़्यादा राउंडेड होगा। अब जो क्रस्ट ऑफ कर्वेचर होती है वो कॉन्टैक्ट एरिया से रिलेटेड होती है, कि लाइक यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एरिया है ये वाला, इससे रिलेटेड होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़े ऊपर की तरफ यहाँ पे आ रहा था ये, यहाँ पे स्लाइटली टूवर्ड द मीजियो जो इंसाइजल और जो मिडल थर्ड का जो जंक्शन होता है ना उसके पास होगा। अब इंसाइजल आउटलाइन की बात करें, ये हमारे पास इंसाइजल आउटलाइन है और